हम देखेंगे पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों के बारे में। पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियां ईरका, टाइफाइड, हैजा, ये बीमारियां जो है पानी के जरिए फैलती है। बच्चों, पानी के जरिए कैसे फैलती है? हम देखते हैं कि नदी के किनारे जानवरों को नहलाया जाता है, लोग कपड़े धोते हैं और कुछ मरीज वहाँ आकर रफा हाजत करते हैं। वो जो गंदगी होती है वो पानी में मिल जाती है। पानी में मिल जाने की वजह से वो जरासीम उसमें शामिल हो जाते हैं। जरासीम शामिल होने की वजह से अगर वो पानी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। उस बीमारी का शिकार होने की वजह से उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें चाहिए कि नदी के किनारे जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और मरीजों का रफा हाजत करने से परहेज करना चाहिए।